हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ेंगे भाषा एवं लिपि। भाषा एवं लिपि और व्याकरण के बारे में हम जानेंगे, तो एक-एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर जानते हैं। जैसे इसमें एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, यानी वो बोलना सीख रहा है। एक लड़की है, वो पढ़ रही है, यानी वो पढ़ना सीख रही है। एक लड़का है, वो लिख रहा है, तो वो लिखना सीख रहा है। तो भाषा क्या है, एक लड़का यानी वो बोल रहा है, वो पढ़ रही है और वो लिख रहा है, तो यही सब क्या है, भाषा है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो ये तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। एक तो होता है जैसे लिखना और बोलना। जैसे टेलीफोन पर बात करना, भाषण देना, काव्य आवृत्ति करना आदि, तो ये सब क्या है, मौखिक भाषा है। और दूसरी है पत्र लिखना, पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करना आदि, तो ये सब क्या है, इसमें लिख रहा है, तो ये लिखित भाषा है। यानी भाषा के दो रूप कौन कौन से हुए, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरी है भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तो हमने मौखिक भाषा और लिखित भाषा की परिभाषाएं हमने देखी। अब आते हैं बोली, यानी बोली क्या होती है। तो भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए उसे बोली कहते हैं। बोली व भाषा का बहुत गहरा संबंध है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, राजस्थानी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगही आदि, ये सब भाषाएं अपने एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अब हम देखते हैं मातृभाषा। तो बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, तो यही उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब राष्ट्रभाषा देखते हैं हम। वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा होती है अंग्रेजी, चीन की होती है चीनी, और जापान की होती है जापानी, रूस की होती है रूसी आदि। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। अब राजभाषा, वह भाषा जो देश के कार्यालयों वह राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने किसी एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी कोई भी भाषा हम जब लिखते हैं तो जो लिखने की विधि होती है उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि रोमन,
उर्दू और फारसी भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब भाषा और लिपि के बारे में हम यहाँ देखेंगे। पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, बंगाली या बांग्ला भाषा की बांग्ला, तमिल भाषा की लिपि है तमिल और फ्रेंच भाषा की लिपि है रोमन। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान कराया जाता है। अब व्याकरण के विभाग यानी व्याकरण के चार अंग होते हैं, कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार, वर्णों के उच्चारण के रूप आकार भेद के बारे में, और शब्द विचार, शब्दों के भेद उत्पत्ति रचना रूप प्रयोगों आदि का अध्ययन, और पद विचार, पद तथा पद का तथा पद के भेदों का वर्णन, वाक्य विचार, वाक्यों की रचना उत्पत्ति उनके भेद वाक्य बनाने आदि के बारे में। तो ये व्याकरण के चार अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब अभ्यास कार्य हम देखते हैं। रिक्त स्थान भरे, भाषा के रूप हैं तो भाषा के कितने रूप हैं? दो। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। नेताजी द्वारा दिया गया भाषण भाषा का क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। और अखबार में छपी खबर भाषा का लिखित रूप है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, कौन कराता है? व्याकरण। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। अब व्याकरण के हमने अभी पढ़ा, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? चार अंग होते हैं। चीनी की भाषा, चीन की भाषा कौन सी होती है? चीनी। तो ये था खालिस्तान। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए। ये हमने अभी पाठ में आगे पढ़ा था, तो इसकी उर्दू, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। और बांग्ला भाषा की लिपि है बांग्ला, और तमिल भाषा की लिपि है देवनागरी, तमिल की है तमिल, और जर्मन की रोमन, और पंजाब भाषा की पंजाब गुरुमुखी, तेलुगु भाषा की तेलुगु, और संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा की है रोमन लिपि, मराठी भाषा की देवनागरी लिपि। तो बच्चों ये थी हमारी भाषा और इनकी लिपि। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।